5 जुलाई को और इस बार खास इसलिए है क्योंकि रजत समारोह, रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली जो है राष्ट्रीय जनता दल मनाने का काम करेगा। अब सिल्वर जुबली हो गया, ज़्यादातर हम लोग विपक्ष में रहे लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, कितनी बेमानी भी की गई हो, चोर दरवाजे से सरकार भी बन गई हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और जनता की जो उम्मीद है वो राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का जो बल है वो राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए आने वाला जो रजत जयंती है वो हम सब लोग जो हैं, क्योंकि कोरोना का, कोविड-19 का जो गाइडलाइन है 6 जुलाई तक का जो निकाला गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता या पॉलिटिकल या सोशल या कल्चरल प्रोग्राम जो है आप नहीं मना सकते हैं बड़े पैमाने पे, तो हमको लगा कि भाई सभी लोगों के साथ बैठक हुई, राय हुआ और ये भी तय हुआ था कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भाई आदरणीय लालू जी आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो उसको लेकर के सब लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी जो है हम लोग वर्चुअली जो है इस समारोह को मनाने का काम करेंगे और आदरणीय लालू जी की सेहत, वो स्वस्थ अभी नहीं है, उनका इलाज चल रहा है भैया, लेकिन फिर भी स्वस्थ उतना ठीक ना होने के कारण जो भी आप लोग जान रहे हैं कि हार्ट का, किडनी की समस्या है, इसके वजह से उतनी स्वस्थ जितने होने चाहिए उतने नहीं है, लेकिन फिर भी रिकवरी उनकी हो रही है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी जो हैं रजत समारोह का उद्घाटन करेंगे और बिहार के लोगों के साथ संवाद भी वर्चुअली करेंगे। सर 6 तारीख तक लगाया गया है रोक, क्या लगता है कि सरकार की साजिश रही है कि 5 तारीख को स्थापना दिवस? अब देखिए ना, अब रोक कब तक रहेगा नहीं रहेगा, अब तो थर्ड वेव आने वाला है, लेकिन एक राउंड भी वैक्सीन का पूरा नहीं हुआ है। आंकड़ा पूछिए तो छुपाते हैं, छुपाना यानी जरूर कोई चोरी है भाई। बीच में हमेशा ही लोग बताता था ई दवा रहा ई दवा रहा, अब आप देख लीजिए ना आंकड़ा कितना बढ़ गया है इसका। ये जो नया एक बीमारी आया है जिसको कि ब्लैक फंगस कहते हैं, वाइट फंगस कहते हैं, येलो फंगस कहते हैं, NMCH PMCH में एक ऑपरेशन नहीं हो रहा, यह हकीकत है। एक भी ऑपरेशन ब्लैक फंगस का NMCH और PMCH में नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा? और ब्लैक फंगस की जो सबसे महत्वपूर्ण जो दवा है, जो पहले सर्जरी के समय और सर्जरी के बाद में जो लगाया जाता है, वो दवा बिहार में उपलब्ध नहीं, कमी है, ये सच्चाई है। वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं, आप पे भी सवाल कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं आपके वैक्सीनेशन को ना लेने, आप वैक्सीन नहीं ले रहे, किस बात? मैं तो लास्ट कैटेगरी है ना भाई, मैं तो 18 से 44 वाले में आते हैं ना, हम सबसे लास्ट है, पहले अभद्र टिप्पणी की जा रही है, अभद्र टिप्पणी, अभद्र मानसिकता के लोग जो हैं और क्या अपेक्षा की जा सकती है। फिर भी उनकी अभद्र भाषा को हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। तेजस्वी जी, जीतराम मांझी ने कहा है कि शराब औषधि है, नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए, शराब बिक रहा है बिहार में और एक मात्रा में शराब को बिकने, अब हम नहीं कहेंगे, पता नहीं किस बात का गठबंधन है। हाँ, ये तो गठबंधन का पोल तभी खुल गया था जब हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने बोला ये असंभव है, अब बीजेपी कहते 19 लाख देंगे, कोई तालमेल है क्या? इसको तालमेल कहते हैं क्या? अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है, अरे इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बिहार में नहीं मिल रहा है, एक फलना उन्हीं के मंत्री जो हैं VIP लोग जो हैं वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई MLA का फंड वापस कर दो भाई, किस बात का तालमेल है? अब तो हम तय कहेंगे, अब नीतीश कुमार जी का तो चेहरा खत्म ना हो गया इस चुनाव में, नीतीश कुमार जी का जो
चेहरा में जो फेयर एंड लवली लगाते थे विज्ञापन का, इस बार तो पूरा पता चल गया ना कितना अच्छा चेहरा है उनका। क्या पार्टी के लोगों को दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में ला रहे हैं? यानी उनका कोई वजूद नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। ABP News, आपको रखे आगे।